मीडिया से मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि ये जो पोलिंग टर्नआउट हुआ है त्रिपुरा में इस शायद पूरे इंडिया में अगर आप देखेंगे क्या हो रहा है बंगाल में, असम में, पुडुचेरी, तमिलनाडु में, तो त्रिपुरा में सबसे हाईएस्ट टर्नआउट हुआ है, वो भी TTEDC इलाके में। तो ये आपने जिसको भी वोट किया हो, CPM को किया हो, INPT को किया हो, जनजाति मोर्चा को किया हो, IPFT को किया हो, हमारे लिए त्रिपुरा मोथा INPT को किया हो, TPF को किया हो, या फिर आपने नोटा भी किया हो, तभी भी आपका एक अधिकार बनता है। और मैं सबसे पहले आप पूरे त्रिपुरा के TTEDC के इलाके में जो वोटर्स हैं उनको थैंक यू कहना चाहता हूँ। दूसरा पॉइंट है कि हमने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस इसके लिए नहीं किया क्योंकि कल 11 बजे तक कुछ कुछ केंद्रों में वोटिंग चल रहा था, और जैसे कि किला बागमा में रात के 11 बजे ही स्ट्रांग रूम बंद हुआ है। तो जब तक हम अपने पूरा रिपोर्ट नहीं देते हम आपके सामने नहीं आना चाह रहे। तो इलेक्शंस में कुछ कुछ जगह में वायलेंस हुआ है, रिगिंग हुआ है, अटेम्प्ट टू स्टॉप वोटर्स टू गो टू कास्ट द वोट्स ये भी हुआ है। इसके लिए आज हम ऑफिशियली राइट करेंगे स्टेट इलेक्शन कमीशन को, उसके बाद हमारा जो भी जो प्रॉब्लम्स है, क्योंकि आप देखेंगे कि स्पेसिफिकली कुमुलुंग में एक दो जगह में प्रॉब्लम हुआ, आमतली गोला घाटी में काफ़ी जगह में प्रॉब्लम हुआ, पेगरजोला में प्रॉब्लम हुआ, बोरीपुर मोरतली में प्रॉब्लम हुआ। आप देखेंगे हमारे कैंडिडेट INPT के जो है धानसेन चोपड़ा, उसको सिरेचोरी मनु बंगल में पीटा गया, उसकी सिक्योरिटीज़ को मारा गया। यही चीज़ रामचंद्र घाट में हमारे सिंबल में एक काला मार्क लगा के मैनिपुलेट करने का कोशिश किया गया। तो बहुत जगह से रिपोर्ट आया है कि ये सब हुआ है। आप वाकीनगर, भोजनगर, वाकीनगर, लघुजरा इलाके में स्पेशली बहुत प्रॉब्लम करने की कोशिश हुई। अमरपुर में, नूतन बाजार, मालवासा में भी प्रॉब्लम हुआ, मिर्जा कथालिया में बहुत प्रॉब्लम हुआ। जनरल एरिया से लोग आकर प्रॉब्लम कर रहे थे, वीडियो में कैप्चर किया गया। आमतली गोला घाटी में शायद जनजाति मोर्चा का जो लीडर है उनका वाइफ खुद, मैं 100% बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन वीडियो एविडेंस से मुझे कहा जा रहा है कि उनका वाइफ रुक रहा था लोगों को वोट करने से। तो ये सब है बात, इसको हम ऑफिशियली स्टेट इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन करेंगे। तभी भी लोग निकले हैं बाहर और उन्होंने निर्भय होकर उन्होंने वोट किया है। वी वॉन्ट टू थैंक ऑल ऑफ देम। हमारे अलायंस पार्टनर्स भी, मेरे बात अभी विजय रामफल से हुई है, वो अभी भी अपने एरिया में है क्योंकि उनका एरिया में भी स्ट्रांग रूम को उनको गार्ड करना है, लेकिन वो भी अपना थैंक यू, उनका हार्ट फेल्ट विशेस सबको एक्सटेंड करते हैं। लास्ट मैं अपील करना चाहता हूँ, 10 तारीख को काउंटिंग होगा, उस दिन बहुत लोग कह रहे हैं कि वायलेंस हो सकता है। मैं एज द चेयरमैन ऑफ त्रिपुरा फिर से क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि वायलेंस नहीं होना चाहिए, मैं वायलेंस नहीं चाहता हूँ किसी तरफ से भी, और मैं अपने पूरे पार्टी वर्कर्स कैडर्स को बोलूँगा कि आप शांति से अपना रिजल्ट आने दीजिए। रहा बात रीपोलिंग का, हम स्ट्रांगली अर्ज कर रहे हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन को कि आप रीपोलिंग का फिर से जहाँ जहाँ में प्रॉब्लम हुआ है उसमें आप एक स्ट्रॉन्ग तरीके से विचार कीजिए। ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हर पार्टी बोल रही है। इसके लिए मैं स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी ऑफिशियली ये बात बोलने वाला हूँ।